इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन के अंत में साउथ अफ्रीकी टीम भारतीय टीम पर भारी रही। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश से प्रभावित मैच के पहले दिन भारत ने 59 ओवर में 8 विकेट खोकर 208 रन बनाए। आज खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया वापसी की तलाश में होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट बारिश के चलते आधा घंटा देरी से शुरू हुआ था। वहीं तीसरे सेशन में भी बारिश के चलते ज्यादातर ओवर्स का खेल देखने को नहीं मिला था, जिसके कारण मैच में लगभग 30 ओवर का खेल नहीं खेला जा सका था। ऐसे में मैच के दूसरे दिन खेल की शुरुआत समय से पहले की जाएगी। ये मैच पांचों दिन भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन मैच के दूसरे दिन बारिश के कारण पहले दिन के खोए हुए ओवर्स की भरपाई करने के लिए आधे घंटे पहले शुरू होगा। केएल राहुल जब मैदान पर उतरे थे तो टीम इंडिया ने 52 रन पर 4 विकेट गवा दिए थे। इसके बाद उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी छोटी साझेदारी कर टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। केएल राहुल ने 133 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के जड़े। हालांकि वे अपनी पारी को शतक के बाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 101 रन बनाकर आउट हो गए। बारिश के कारण पहले दिन लगभग 30 ओवर बर्बाद होने के बाद सभी की निगाहें दूसरे दिन के खेल पर है, लेकिन दूसरे दिन भी मौसम खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। वेदर अपडेट के अनुसार सेंचुरियन में आज हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे बीच बीच में मैच रुक सकता है। वेदर अपडेट के अनुसार मैच में बारिश की संभावना 84% तक जताई गई है। वहीं पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है। विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दिया और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया है। देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ये सब करने के लिए किसने मजबूर किया? ये सब सारे देश को पता है और आप तो देश के मुखिया हैं। मुझे साल 2016 याद है, तब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत कर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें निजी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनका पत्नी आयशा से तलाक हो चुका है। धवन का बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में वाइफ के साथ रहता है। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी पर कोई भी फैसला नहीं दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि धवन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बेटे से मिल सकते हैं और उससे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। धवन ने बेटे जोरावर के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर के लिए दिसंबर का महीना किसी सपने से कम नहीं रहा। नांद्रे बर्गर ने महज 13 दिनों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है। इसी के साथ वे सबसे कम समय में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए। नांद्रे बर्गर न्यूजीलैंड के पीटर इनग्राम के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 13 दिन के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है। भारत खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली के कवर ड्राइव का पीछा करते हुए टेम्बा बुमा को चोट लग गई, इससे वे मैदान से बाहर चले गए। वहीं कप्तानी का जिम्मा डीन एल्गर संभाल रहे हैं। बुमा हाल ही में हैमस्ट्रिंग की चोट से उभर कर वापस आए हैं। कप्तान बुमा की चोट से साउथ अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया इस मैच में रविंद्र जडेजा के बिना उतरी है। रोहित शर्मा ने टॉस के समय रविंद्र जडेजा के ना खेलने की वजह बताई। रोहित ने बताया कि पीठ के ऊपरी हिस्से में जकड़न की वजह से जडेजा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। वहीं बीसीसीआई ने भी सोशल मीडिया पर रविंद्र जडेजा के ना खेलने पर अपडेट दिया है। बीसीसीआई ने लिखा है कि मैच की सुबह जडेजा ने पीठ के ऊपरी हिस्से में जकड़न की शिकायत की, वे पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम ने दमदार वापसी करते हुए दूसरे दिन के पहले ही सेशन में 7 विकेट गिरा दिए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया टीम 318 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर लीड हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था।